हे गाइस, कैसे हैं आप सब? एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी अगेन दोस्तों. और आज मैं आप लोगों के साथ में ये मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ. दिस इज़ वेरी इजी पीजी सा मेकअप एंड आई थिंक मैंने 5 to 6 प्रोडक्ट का सिर्फ यहाँ पे यूज़ किया है. बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है और ये एक रियल एंड प्रैक्टिकल मेकअप है. एंड दिस इज़ ऑल्सो यू नो रिक्वेस्टेड वीडियो. जब मैंने ओरिफ्लेम का एक हॉल शेयर किया था उसमें मैंने इस मेकअप को वेयर किया था. काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि प्रियंका प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करो, आपने कैसे इसे अचीव किया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ एंड दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे का मॉइस्चराइज़र. काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है. 100 rupees का मिल जाता है. काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है तो इसे मैं अपने ऑल ओवर फेस पे एंड नेक पे अच्छे से अप्लाई करूँगी. एंड हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. एंड दोस्तों, आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्राइमर ले रही हूँ. इट्स अप टू यू, अगर आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए, अदरवाइज़ देर इज़ नो रिक्वायरमेंट. अगर लेंगे तो आपका मेकअप ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का लिया है. दिस इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड मैं आज जो भी प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ सारे ही अंडर आई थिंक 300 या 400 के अंदर ही होंगे सारे प्रोडक्ट्स, तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए. फर्दर मैंने यहाँ पे मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन लिया है और आप चाहो तो इसकी जगह पे कोई भी बीबी या सीसी क्रीम भी ले सकते हो. और ये भी अच्छे से ऑफर में मिल जाता है. आई थिंक 350-450 के अंदर मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी डील दिख जाती है दोस्तों. इसे मैं ऑल ओवर अपने फेस एंड अंडर एरिया के आसपास भी लगा रही हूँ और आईलिड पे भी अप्लाई किया है, क्योंकि मैं कोई भी कंसीलर आज अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल दोस्तों है मेकअप. क्योंकि सभी लोगों को डेली लाइफ में इस टाइप के मेकअप करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत हैवी मेकअप नहीं है. दिस इज़ काइंड ऑफ यू नो नो मेकअप मेकअप लुक, क्योंकि बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट दोस्तों मैंने यूज़ किए हैं. इसे आप कहीं भी लाइक छोटी मोटी पार्टी फंक्शन पे भी कर सकते हो, लाइक ऑनलाइन मीटिंग चल रही है आपकी, जूम मीटिंग चल रही है, तो आप इसे यू नो कैरी कर सकते हैं. एंड फर्दर मैं यहाँ पे स्टे कोकी का लूज़ पाउडर लगा रही हूँ. आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो. इसे आप अपने ऑल ओवर फेस पे एंड सेट कर लीजिए ताकि आपका जो है मेकअप जो है सेट हो जाए. जो भी आपने फाउंडेशन वगैरह लगाया है वो हिले ना, इधर उधर ना जाए, मेकअप सेट हो जाता है तो सही रहता है. और काफ़ी अफोर्डेबल भी है दोस्तों. आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. एंड नेक पे भी आप इसको कवर करिए, नेक को बिल्कुल मत छोड़ा करिए. फर्दर मैंने यहाँ पे अपने आईब्राउज़ के लिए लिया है मिस क्लेयर की ब्राउन पेंसिल और इसे मैं आई थिंक जब से मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया है 2 साल से, तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, आई थिंक 70-80 rupees की मिल जाती है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है. काफ़ी अच्छे से आपकी आईब्राउज़ को फिल आउट कर देती है. एंड इसके बैक साइड में आपको ये कोम्ब टाइप का मिलता है, इसे आप सेट कर लीजिए ताकि जो क्रीम लगाई है आपने वो इवनली स्प्रेड आउट हो जाए. फर्दर मैंने यहाँ पर शुगर का काजल लिया है, इसे मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ. काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ब्लैक है, ये भी बहुत पसंद है मुझे. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मस्कारा लिया है, आप चाहो तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं. बट आईज़ में अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हो, सिंपल सा आप काजल और मस्कारा लगा लो, बट दैट्स इज़ टोटली इनफ. आपकी लुक को टोटली इन्हेंस कर देता है अगर आपने अपनी आईज़ और आईब्राउज़ को यू नो अच्छे से फिल कर लिया है और अच्छे से यू नो मस्कारा लगा लिया है. मैं यहाँ पे आई थिंक 4 to 5 coats अप्लाई कर रही हूँ एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन माई बोथ आईज़ कि कितनी ज़्यादा इन्हेंस लग रही हैं सिर्फ और सिर्फ आपके मस्कारा लगाने से. और काफ़ी अच्छा एक लुक हो जाता है. टोटली गेम चेंजिंग प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों ये, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फेसिस कैनेडा का आईलाइनर अप्लाई किया है और चाहो तो आप इसे लगा सकते हो, अदरवाइज़ छोड़ सकते हो. और ये बहुत ही छोटा सा मैंने लगाया है, बहुत ही छोटा सा, एकदम वेरी इजी काइंड ऑफ आईलाइनर, बहुत ही छोटा सा विंग, छोटा सा एकदम मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ, बहुत ही छोटा सा और काफ़ी अच्छा लगता है. आप भी इसे कभी ट्राई करिएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा. और इसी तरीके से बहुत ही पतला मैं लगा रही हूँ, काफ़ी हैवी नहीं लगा रही हूँ इस आईलाइनर के साथ में दोस्तों. ये मतलब मैं इसके बारे में काफ़ी बार मैं तारीफ़ कर चुकी हूँ कि ये आईलाइनर एक ऐसा है कि आप इससे मोटे से मोटा और पतले से पतला आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो टिप है वो बहुत ही अमेजिंग है. फर्दर मैंने यहाँ पे शुगर की मिनी लिपस्टिक ली है, लिक्विड लिपस्टिक है ये, और ये मुझे फ्री मिली थी आई थिंक जब मैंने परचेजिंग की थी 1600-1700 rupees की, तो मुझे ये 4 lipsticks फ्री मिली थी और उसमें से 2 तो ख़राब निकल गई, पता नहीं क्यों वो ड्राई थी. आई डोंट नो वाई ऐसा ही वो सेंड करते हैं, या आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न कि वो सेल आउट नहीं होती हैं तो वो फ्रीबी में रख देते होंगे, सो दैट्स वाई. बट
एनीवेज़ ये शेड थोड़ा सा ठीक था तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया और काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड दिस गोज़ टू माई टॉप एज़ वेल, काफ़ी मैचिंग मैचिंग हो रहा था। एंड मैंने शुगर की ही दूसरी लिपस्टिक ली है, नथिंग एल्स लॉन्ग वेयर लिपस्टिक है ये लिपस्टिक, और इसको मैं एज ए ब्लश के तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। और आप देख सकते हो कि इतने ईजिली ये ब्लेंड आउट हो गई, क्योंकि एंड ये वाली लिपस्टिक्स के बारे में मैंने काफ़ी बार बात की है, आप चाहो तो देख सकते हैं, मैंने इसका रिव्यू किया है अपने चैनल पे। शुगर शुगर की है, नथिंग एल्स मैटर लॉन्ग वेयर लिपस्टिक है, काफ़ी अच्छी है और ईजिली ब्लेंड आउट हो जाती है। और इसे आप एज ए ब्लश के तरीके से अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो आपके पास जो भी हो। और मैंने यहाँ पे कोई भी हाइलाइटर ब्रॉन्जिंग वगैरह कुछ नहीं की है, आप इसे ये आप इसे कह सकते हो प्रैक्टिकल और रियल मेकअप है, आप इसे कभी भी कर सकते हो। और दिस इज़ द फाइनल टच, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब इट एज़ वेल, काफ़ी अच्छा लगता है। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, प्लीज़ डू सपोर्ट मी गाइज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड लव यू ऑल, बाय।